अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे 10 साल के बच्चे का कटा हुआ। बहुत आबाद हो जाएगी, पर जीने नीचे बहुत तकलीफ। एक प्रण लीजिएगा, कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। डीएम आएंगे, एसडीएम आएंगे, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, लेकिन कोई ये तो नहीं जानेगा ना साहब कि यहाँ पे इन्होंने शराब पी के और इस तरीके से ये काम किया है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ प्रयागराज के नैनी जंक्शन पे, और आप सभी लोग बिल्कुल हूबहू अच्छे तरीके से जानते हैं कि नैनी जंक्शन अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। और ऐसे भारत में से कई रेलवे स्टेशन हैं, कई ऐसी रेलवे जंक्शन हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, और कहें तो ये भूतिया जंक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है, देखिए हमारा मानना ये नहीं है कि भूत प्रेत होता है या कोई बाधाएं होती हैं या कोई आत्मा का वास होता है, इस पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं जो कि बहुत अनबिलीवेबल होती हैं। एक बार मैं कहता हूँ आप इस पर दिखा दें, और रात के 11:59 हो रहे हैं, और हमारे साथ एक और पत्रकार हैं जिनका नाम आनंद मौर्य जी हैं, जो कि हमारे सहयोगी के रूप में और हमारे साथ आए हैं। मौर्य जी स्वागत है आपका हमारे। सर्वप्रथम सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया आपके यूनिक न्यूज वन से। तो सबसे पहले यूनिक न्यूज वन देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबका एक बार स्वागत है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में मैं नैनी जंक्शन का पड़ताल किया था जी। तो मैं जब नैनी जंक्शन का पड़ताल करने आया यहाँ पर, तो सबसे पहले हम रात को 1 बजे नैनी जंक्शन का पड़ताल करने गए थे जी। और रात को 1 बजे हमारे सहयोगी थे, फिलहाल हमारे सहयोगी मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी थे वहाँ पे। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव किया था, हमने उसको देखा नहीं था, हमने कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव किया था। और अनुभव करने के बाद हमें लगा कि नहीं में भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। कुछ चीज़ें हमने नोटिस की लेकिन हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, अक्सर पाया जाता है कि ऐसी चीज़ें कैमरे में कैप्चर तो नहीं होती हैं, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यहाँ पे दिखाएं। हम रेलवे ट्रैक पे आ चुके हैं और ये बहुत ही सुनसान यहाँ पे और सुनसान है, बिल्कुल अंधेरा है। और एक बार उधर मैं गुजारिश करूँगा, वहाँ पे एक बार दिखाएं, बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पे कोई लाइटें नहीं है। बताएं, देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी रात को 12 बज रहे हैं, जैसा कि आपने भी देखा है, और रात को 12 बजे यहाँ पर जो है कहते हैं कि परिंदा भी पर मारने नहीं आता है। और परिंदा भी पर मारने इसलिए नहीं आता है क्योंकि लोगों ने महसूस किया है यहाँ पर कि आफ्टर 7 PM o'clock, मतलब 7 बजे के बाद जो यहाँ पर लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया है। और यहाँ पर ट्रेन से, अब यहाँ से जब ट्रेनें जाती हैं तो लोग जो है ट्रेन के बाहर जो खिड़कियाँ होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, उससे लोगों ने नोटिस किया है, उससे लोगों ने ये चीज़ लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर भटकती हुई रूहों को देखा है, हमने यहाँ पर सफ़ेद साड़ी में चलती हुई उस महिला को देखा है, हमने यहाँ सिर कटे हुए बच्चे को देखा है। तो और दर्शक को भी बता दूँ एक बात आपको, अभी हम जिस ट्रैक के पास खड़े हैं और जिस ट्रैक के पास जिस एरिया में खड़े हैं, इसी एरिया में लोगों का कहना है कि जब यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं तो यहीं से उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लोग बोलते हैं कि आई मे बी 10 से 12 साल का बच्चा होगा, उसका सर जो है कटा हुआ होता है, और उस कटे हुए सर को यहाँ पर लोग महसूस देखते हैं यहाँ पर, कि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती हैं मात्र 2 से 3 सेकेंड के लिए, कुछ ही क्षण के लिए यहाँ पर उसको महसूस करते हैं, यही वो जगह। अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे 10 साल के बच्चे का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, ऐसा लोगों का मानना है। कटा हुआ सर यहाँ पे चलता हुआ दिखता है। और अभी आप 12 बजे रात को, हमें ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहीं पर उसको महसूस करते हैं। ये एक बार यहाँ पे कैमरामैन से फोकस करूंगा, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, लेकिन यहीं पे इस जगह को कहा जाता है कि यहाँ पे 10 साल के बच्चे का सिर कटा हुआ चलता हुआ दिखाई। क्या सुमित जी आपको कुछ लग रहा है, ये कुछ है? हमें तो नहीं लग रहा, ये क्या है? पर कुछ तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे देखिए अजीब है, कुछ तो अजीब है, हमें कैमरे में काय देखिए, इसलिए कहते दो, इसलिए कहते हैं कि कौन है ये, पता नहीं, पता नहीं। तो मतलब इतनी ठंड में, इतनी इतना टेम्परेचर है,
और इतनी ठंड में आप, ठंड नहीं लग रही आपको? जा रहे हैं गुलगड्डा से, जैसे ठंड ठंड है तो ठंड में आपने देखिए अच्छे से कुछ पहना भी नहीं है, स्लीपर पहने हैं और कम से कम ढक के तो चलिए अपने आपको। आपने ड्रिंक की ड्रिंक किया हम उस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं और गलत है, लेकिन हम चलिए उस चीज़ को हम नहीं कहते हैं, लेकिन आपने ड्रिंक करके और इतनी रात में, इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है और आपने ड्रिंक कर यहाँ पे, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या? मान लीजिए अगर ड्रिंक कर रहे हैं आप, ड्रिंक करते करते आप रेलवे ट्रैक पर गिर जाएं, ट्रेन आ जाए, हादसा हो जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। क्यों क्यों सरकार, हम तो दोष सरकार को देंगे। देखिए आपके भी घर वाले होंगे, हर चीज में जो है सरकार गलत नहीं होती है, जनता की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे शराब पीकर जो है कम से कम रेलवे ट्रैक के पास तो नहीं आना चाहिए, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि आपने आपकी आपकी जान बहुत अमूल्य है ना। ठीक है, हम जीना नहीं चाहते। क्यों हम जीना नहीं चाहते? आप क्यों जीना नहीं चाहते? हम जिंदगी से बहुत तंग आ गए। क्यों, क्या ऐसी क्या बातें होंगी? ऐसी वो दर्द आप नहीं जानेंगे, वो दर्द हम ही जानते हैं। देखिए सर, आप हम समझ सकते हैं कुछ पारिवारिक विवाद भी होते हैं या कुछ ऐसे जीवन से आपके होंगे, लेकिन आप शराब पीकर और ऐसे रेलवे ट्रैक, एक बार रेलवे ट्रैक आप दिखाइए, ऐसे रेलवे ट्रैक पर आप ऐसे शराब पीकर और ऐसे मत करिए, क्योंकि अगर आपकी दुर्घटनावश किसी तरीके से मृत्यु हो जाती है तो फिर इसका दोष हम प्रशासन को देंगे या रेलवे को देंगे। तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, बहुत आबाद हो जाएगी, पर हम जीना नहीं चाहते, बहुत तकलीफ में है। दोस्त तकलीफ भगवान से बता रहे हैं, आपसे तकलीफ को दूर करने का इलाज क्या शराब पीना ही है क्या? पर हम सोचते हैं मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे बताइए, लोगों का कहना है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देती है, अब भाई साहब अकेले साल ओढ़ के और शराब की नशे में धुंध है और यहाँ पे ऐसे उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, अब लोग इनको क्या समझेंगे? आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप ये समझिए कि अब क्या है कि अब यही है व्यक्ति, जैसे लोगों का यही कहना है, लोग मानते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, रात में ऐसे ही व्यक्ति को लोग देखते हैं तो लोग को सोचते हैं कि भाई रात का सीन है, अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ में अगर सुधार लाना है तो जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गलत है। और इस प्रकार से रात के समय में और शराब पीकर उसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ साल लिया है, उसके साथ साथ लोअर पहन जी, क्या आप मानते हैं जैसे बिहार में पूरी तरीके से शराब बंद है, यूपी में होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल यूपी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में शराब बंद होना चाहिए। इसलिए बंद होना चाहिए कि शराब की वजह से बहुत लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। अभी एक उदाहरण आपके सामने ये है, अभी शराब की धुन में कहने के जीना नहीं चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको हकीकत बात कर रहे हैं, देखिए आप जीना नहीं चाहते वो अलग बात है, पर शराब की नशे में धुंध होकर और आप रेलवे ट्रैक पर ऐसे उठक बैठक कर रहे हैं, ठीक, पर जिंदगी मौत जब भी लिखा रहेगा तभी होगा। जिंदगी मौत जब लिखा रहेगा जानते होंगे और तभी आप यहाँ पे ऐसे शराब पी के घूम रहे हैं। कोई जानता नहीं जिंदगी मौत कहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, घर हमारा, घर कहाँ पर आपका है? इसी जगह, इसी मोहल्ले में, इसी मोहल्ले में आपका घर है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। घर से प्रॉब्लम है? किसी चीज से प्रॉब्लम, तो फिर दिल के तकलीफ के मारे हुए हैं, तो दिल की तकलीफ को मारे हुए तो शराब पी लेंगे तो तकलीफें दूर हो जाएंगी। तकलीफ शराब पिए ठीक है, शराब पिए है ठीक है, पर जहाँ किस्मत मेरा हिच ले जाएगा। नहीं सर, देखिए शराब पिए ये ठीक है, ये आप गलत बोल रहे हैं, शराब पीना किसी चीज का हल नहीं है और ये सही नहीं है। ठीक है ठीक है, फिलहाल आप घर जाइए यहाँ से, ठीक है, सीधा आप यहाँ पे घर जाएंगे, जो भी बात होगी कल करिएगा। आप कह रहा हूँ मैं आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं दे रहा, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। आप कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी मौत हम कुछ नहीं कर रहे। सुनिए सुनिए, आप जा नहीं रहे थे, आप यहाँ पर जो है कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, अभी मैं आपको देख, वहाँ पर रास्ते पर बहुत लोग जा रहे हैं, मैंने किसी को नहीं रोका। हमारे कैमरे में जिस तरीके से आपका सीन कैद हुआ है, अगर हम लोगों को ये कह दें कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है या भी यहाँ पे कोई भूत प्रेत है, तो हमको लगता है कि कुछ लोग तो मान जाएंगे। और पता चला कि इन्होंने ड्रिंक की है, शराब की है, शराब की नशे में ये धुत है और रेलवे ट्रैक पे ये अभी भी ये शराब पिए हुए हैं और ये नशे में जो भी बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, तो इनसे हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं। और आप जाइए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है? एक प्रण लीजिए कि आप कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, प्रण लीजिए, प्रण करेंगे, नहीं करेंगे हम, तकलीफ के मारे हुए, दर्द के मारे हम आपको शराब पीते हुए पकड़ लेंगे कहीं, तो फिर ठीक नहीं होगा आपके लिए, ये बात जान लीजिए, ठीक है? हाँ, देखिए दोस्तों, अभी हमको जो रेलवे ट्रैक पर ये व्यक्ति मिले, शराब की नशे में बिल्कुल धुत हैं और हमने जिस तरीके से इनको कैमरे में दिखाया, अगर हम ये कहते कि ये कोई आत्मा है या कोई प्रेत है तो कुछ लोगों को विश्वास हो जाता, पर हमारा चैनल ऐसी कोई अफवाह नहीं फैलाता, ऐसी कोई गलत चीज़ें नहीं दिखाता है, इसलिए हम इनके पास है और इनकी जाँच पड़ताल की कि आखिर ये कौन है। और देखिए पता चला कि ये नशे में धुत थे और अगर ये कहीं यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती, अगर ये शराब के नशे में धुत यहीं पर गिर जाते, रेलवे ट्रैक पर गिर जाते, तो सुबह इनकी लाश मिलती। और अगर सुबह इनकी लाश मिलती
तो ये कहा जाता कि कोई इनको रेलवे ट्रैक पर लाया था, कोई इनको रेलवे ट्रैक पर सुता दिया, कोई रेलवे ट्रैक पर ढकेल दिया। लोग ये नहीं देखते कि ये शराब पिए हैं, शराब के नशे में यहाँ पर गिरे। कहीं ना कहीं यहाँ पर केस चलता, पुलिस आती, प्रशासन आती, जाँच होती, केस ऊपर तक जाता, डेली इस पर एक रिसर्च होता कि आखिर इनके मरने का कारण क्या है। ये भी एक फाइल की तरह केस चलता चला जाता और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी डिस्टर्ब होती, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता भी डिस्टर्ब होती, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि एक बहुत बड़ा जो है कि जो हादसे का जो है माहौल। रेलवे के कर्मचारी आएंगे, DM आएंगे, SDM आएंगे, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, लेकिन कोई ये तो नहीं जानेगा ना साहब कि यहाँ पे इन्होंने शराब पी के और इस तरीके से ये काम किया है। अब आप बताइए, शराब पी के क्या रेलवे ट्रैक पे ऐसे उलटना, गिरना, सोना, क्या ये सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको 100% गलत मानता हूँ। इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि आपने शराब पिया, सही है, मतलब पीजिए शराब आप, मैं ये नहीं कहता मत पीजिए। अगर UP में शराब बंद नहीं है तो आप शराब पीजिए, लेकिन प्रयागराज जैसी सिटी में और प्रयागराज जैसी सिटी के इस रेलवे ट्रैक पर, जो अपने आप में बहुत ही खुद अपने आप में खतरनाक माना जाता है, लोगों ने महसूस किया है नैनी जंक्शन को, तो कम से कम उस जगह पे ये चीज़ें ना करिए। अच्छा आनंद जी, अगर हम ये कहें कि ऐसे ही लोग शराब की नशे में धुत होकर और रेलवे ट्रैक में ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे उठक बैठक करते हैं, ऐसे गिरते हैं, ऐसे पड़ते हैं और लोग उन्हीं को आत्माएं समझ लेते हैं, क्या ये सही? बिल्कुल 100% सत्य होगा, क्योंकि हम आपके साथ कम से कम आधे घंटे के ऊपर हो गया है, हमने अभी तक कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस नहीं की। हाँ, कहीं कहीं हमने देखा, हमने लगा कि हो सकता है। और मैंने जो वीडियो किया था अपने नवीन भारत न्यूज़ पर, मेरे नवीन भारत न्यूज़ पर भी जो मैं नैनी जंक्शन का वीडियो किया था, मुझे भी महसूस ही हुई थी सीधा, मुझे कुछ दिखा नहीं था, मुझे बस महसूस हुआ था, लेकिन हमें यहाँ आदमी चलते हुए मिल गए थे, बस ये कह सकता हूँ मैं। देखिए, इतनी ठंडी का मौसम है, हमने जैकेट पहना है, मफलर पहना है, ये सब कोई मजाक तो नहीं है कि हमें मफलर पहने? मैंने पाँच पहने हैं, मतलब मैंने पाँच अंदर से शर्ट, टी शर्ट, इनर जैकेट, लेकिन मैंने पाँच पहना है। अब बताइए, ये पाँच पहने, इनको सर्दी लग रही है, वो भाई साहब लोवर पे थे, नशे में धुत थे, रेलवे ट्रैक पे नहीं मरते तो कहीं साइड पे गिर के मर जाते, जांच होती, पड़ताल होती, एक नई फाइल बनती, हमारे जैसे सैकड़ों मीडिया कर्मी आते, बहुत सारी बातें करते, चले जाते, सच्चाई का पता नहीं चलता कि नशे में धुत थे, एक नई खबर बन जाती कि या तो इनका मर्डर हुआ है या तो कोई इन्हें लेकर आया है, परिवार वाले अलग परेशान होते, गलती इनकी है, परिवार अलग परेशान होंगे, पत्नी अगर होंगी तो वो अलग परेशान होंगे, बच्चे अलग परेशान होंगे, क्यों आनंद जी? बिल्कुल सत्य बात है आपकी, ये कहीं ना कहीं सब प्रॉब्लम सबके लिए क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए होगी, कहीं ना कहीं हम जैसे मीडिया कर्मी जो हैं उनके लिए परेशानी होगी, कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले परेशान होंगे, है ना? तो इन सब चीज़ों को कम से कम कोशिश किया जाए, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं कोशिश करें कि इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, और जागरूकताएं फैलानी है कि कम से कम रात के समय में रेलवे ट्रैक पर कम से कम शराब पीकर ना घूमें। रात के 12:26 अभी हो चुके हैं, और अभी अगर ये व्यक्ति किसी को ट्रेन में से दिखाई देते होंगे तो वो ये जरूर सोचता है कि अरे यार 12:30 बज रहे होंगे, जरूर ये कोई प्रेत आत्मा होगी, क्यों? जी बिल्कुल, और एकदम सत्य बात है, लोग इस यही जागरूकता है। अभी मैंने वहाँ बताया कि सरकटे बच्चे को देखते हैं, अब चलती ट्रेन रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन है 100-200 ट्रेन की स्पीड, किमी की स्पीड से चलती है, और उस स्पीड में कौन व्यक्ति को कब ट्रेन कितनी देर में क्रॉस कर जाए ये हम नहीं बता सकते, और ये देखने वाला जो व्यक्ति है अंदर ट्रेन से वो भी नहीं देख पाता है, इसीलिए उसको लगता है कि यहाँ से जो देखते हैं लोग बच्चे को कटे हुई हालत में देखते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर जो है टहलते घूमते रहते हैं, और कहीं ना कहीं गलत भी है, और अक्सर आपको शराबी ही मिलेंगी इस पे, शराबी जो है अक्सर रेलवे ट्रैक पे आपको मिल जाएंगे नैनी जंक्शन के अगल बगल घूमते हुए, और ऐसे ही जो है कि हादसाएं होती रहती हैं। ऐसे ही लोग एक तो समाज में भ्रम फैलाते हैं कि आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अब तक हमने महसूस नहीं किया, या आनंद जी ने ये बिल्कुल महसूस नहीं किया कि यहाँ पे कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रात के 12:20 भी मैंने आपको दिखाया कि 12:26 हो रहे थे, 12:20 पर यह व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर रेलवे ट्रैक पर कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, अभी ट्रेन जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जाएगी, और लोग देखेंगे तो सोचेंगे या तो 10 साल का बच्चा का सर कटा हुआ सिर चल रहा है, या कोई प्रेत आत्मा उठक बैठक कर रही है, और लोगों के मन में वही एक भ्रम फैला रहेगा कि यहाँ नैनी जंक्शन पे आत्माएं होती हैं, कोई प्रेत आत्मा होती है, कोई भूत होता है। जैसा कि आपने बताया था कि आपने चैनल पे एक बार इस नैनी जंक्शन का वीडियो चलाया था, तो एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आपके चैनल का नाम क्या है, ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके चैनल के लिंक को डालें और वहाँ पर भी दिखाएं कि वहाँ की सच्चाई क्या है। देखिए, मेरे चैनल को अगर आप सर्च करते हैं नवीन भारत न्यूज़ से तो फ्रंट पे ही आ जाएगा, बाकी उस पर मैंने नैनी जंक्शन की वीडियो की है, और उस पर आपको नैनी जंक्शन का पूरा वीडियो जो है मिल जाएगा। करीब मैंने 9-10 मिनट का जो है नैनी जंक्शन का वीडियो किया है, और कुछ चीज़ें महसूस किया था, कुछ कह नहीं सकता कि नहीं वो रियल ही हैं, लेकिन नवीन भारत न्यूज़ पर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस हमारी पड़ताल में आपने हमारा सहयोग किया, योगदान किया, हमारा साथ दिया, और ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों की पड़ताल करने में हमारी मदद की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो में बने रहे लेकिन उन सभी का सादर आभार। मैं हूँ सुमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।